अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हैं। तो आज हम लोग रेसिपी में क्या बना रहे हैं देखो। दही फुल्की बना रही हूँ लखनऊ स्टाइल में। तो हमने ये 200 ग्राम चने का आटा ले चुके हैं और ये कली लहसुन है, थोड़ा ज़ीरा है और सूखी मिर्ची है, जिसको हम लोग दही में इस्तेमाल करेंगे। ये दही में पीस के डालेंगे और बेसन के लिए, तो ये सामान्य बेसन के लिए मिर्ची बुकी है 1/2 स्पून, थोड़ा खाने का सोडा बोलते हैं बेकिंग सोडा वो है, और नमक अपने हिसाब से, अदरक लहसुन 1/2 स्पून है और थोड़ी कोथमीर है। तो 1/2 लीटर दही पी लूँगी, दही है। तो आप लोग के पास अगर छाछ मिलती रहेगी तो दही और छाछ मिला के बनाना, हमारे उधर नहीं मिलती है इसके लिए मैं सिर्फ दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप 1/2 लीटर दही और 1/2 लीटर छाछ रख के कभी भी बनाना, दोनों मिला के बनाएंगे तो बहुत टेस्ट अच्छा आता है। तो अभी हमको ये दही में पीस के मिलाना है, ये तो मैं हम हटा देते हैं, पीस के आप लोग को बताएंगे। तो अभी हम बेसन के लिए बताएंगे, बेसन में पूरा सामान हम आप लोग के सामने डालेंगे। पहला बेकिंग सोडा डालिए, अभी नमक डाल रही हूँ। तो आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से शेयर करो, और मेरे चैनल पर जो भी है तो सब्सक्राइब करो ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे, और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मेरे को इतने अच्छे से कमेंट आते हैं। आहान खान तो मेरे को जब से मैंने रेसिपी चालू करी बेचारे, वो तो मेरे को कभी भी हर रेसिपी पे माशाल्लाह अच्छा कमेंट देते। आप लोग भी कमेंट दो और आप लोग की क्या फरमाइश है मुझे बताओ, इंशाल्लाह मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। तो देखो हमको इतना ठीक चाहिए, मैंने 1/2 गिलास पानी में इसको घोल ली हूँ। ज़्यादा हमको पतला भी नहीं चाहिए और ज़्यादा हमको गाढ़ा भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए। तो ये हमारा बेसन तैयार हो चुका है, तो उसको भी हम 10-15 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद आप लोग को फ्राई का भी बताएंगे और फुल्की के तड़के का भी बताएंगे मसाला। तो देखो दही को मैंने 1 गिलास पानी डाल के फेंट ली हूँ। अगर जैसे छाछ रहेगी तो हमको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, दही और छाछ मिलाए तो ऐसा पतला हो जाएगा। मेरे पास छाछ नहीं थी तो मुझे पानी डालना पड़ा। आप लोग छाछ डालना और दही डालना तो बहुत बेहतरीन बनता, बना के ज़रूर मेरे तरीके से खाना, बताना कैसे लगे। तो अभी हमने पानी डाल के इसको फेंट लिए। तो अब इसमें हम सूखी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा बताई थी ना, ये मैंने पीस ली हूँ, तो ये इसमें जाएगा। तो देखो मैं पूरा डालती हूँ। और ये 2 हरी मिर्ची है ना, आप लोग को पसंद है तीखा खाते हैं तो डालना, नहीं तो स्किप करना, ये हम लोग खाते हैं। तो बारीक बारीक 2 मिर्ची में कटिंग करी, ये भी डालूंगी, और थोड़ी कोथमीर कटिंग करके डालूंगी ऊपर से। तो नमक डाल रही हूँ, नमक मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से डालना। ये हमारे घर में ना पुलाव वगैरह बनाएंगे ना लखनऊ साइड, मैं कानपुर की हूँ, मेरी मम्मी का मुल्क कानपुर है, तो देखो उसमें हमारे उसमें ये बनता है, ये स्ट्रीट फूड में ईद के टाइम भी बनाते हैं हम लोग, और पुलाव वगैरह बनाएंगे तो भी हम लोग ये बनाते हैं। तो आज तो ऐसे ही बना रही हूँ मैं, खाने दिल बोला है तुम्हारे अंकल को, तो इस हिसाब से हम लोग घर में बना के खा रहे हैं और आप लोग को शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। और इसके बाद अभी फुल्की तल के डायरेक्ट हमको इसमें डालना है, उसके तक तड़का रहेगा। तो देखो ये हमारे को रख के 15 मिनट हो चुका है बैटर को तैयार करके, तो माशाल्लाह देखो जैसा चाहिए था वैसा है, माशाल्लाह बहुत फेटी, इसको ज़्यादा फेंटना ज़रूरी है, तो भजिया बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी हम फ्राई करेंगे। तो तेल देखो हमने गर्म पे रख दिए हैं, तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो अभी हम आप लोगों को तलने का तरीका बताते हैं, हम कितनी छोटी छोटी फुल्की बनाएंगे। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फुल्कियाँ हमको छोटी छोटी डालना है ताकि ये बनने के बाद तो जैसी की वैसी रहती है, मगर जब उसमें डालते हैं ना दही में तो ये थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसके फुल्कियाँ हमको ऐसे ऐसे डालना है छोटी छोटी। तो हमको आहिस्ते आहिस्ते देखो अभी सब ऊपर आएगी माशाल्लाह, कितनी प्यारी प्यारी बन रही है। बस हमको पकने के 1-2 पात डालने के 1-2 मिनट के बाद हमको ऐसा देखो सब ऊपर आ चुकी है। अब सिर्फ हमको एक जैसे ऐसा हिलाना है ताकि पूरी फुल्कियाँ एक जैसे तले जाए। तो हमारी फुल्की हो गई तैयार माशाल्लाह, हमारे को हल्का सा ब्राउन कलर चाहिए तो कलर आ चुका है, देखो आप लोग भी। और ये फुल्कियों में तेल नहीं रहता है, देखो तेल सूख जाता है, ताबड़ तो निकलते सकते, देखो तेल नहीं है, रुकी हुई एकदम, और कितनी करारी बनी हुई है। तो देखो माशाल्लाह आप लोग भी, और निकाल दी मैं अभी और तलूँगी। तो अभी इसको हमको निकालते साथ ही हम लोग पानी में भी डालते हैं, इसको पानी में डाल के पानी से निचोड़ के हम लोग दही में डालते हैं, मगर मैं आज पानी में नहीं डालूँगी क्योंकि दही में खुद ही से पानी है, क्योंकि दही ज़्यादा गाढ़ी नहीं है मेरी, तो पानी तो मैं डाल इस्तेमाल, तो इसमें डायरेक्ट डालूंगी। देखो मैं ये रेडी करके रखी हूँ, इसमें डायरेक्ट डालूंगी, तो इसमें पूरा सोख लेगा ये पानी। तो अभी मैं और तल रही हूँ थोड़ी सी,
तलने के बाद मैं आप लोग को बघार का भी तरीके बताऊंगी और सर्व करके भी बताऊंगी। मुझे चाय में कमेंट आया, नया कमेंट है, मुझे अच्छा लगा पढ़ के, मेरी बच्ची पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, नाराज़ नहीं हुई बेटा। मगर कमेंट करने वाले क्या किए हैं कि बोले चाय जिसको नहीं आती वो इंसान क्या। चाय तो अलहमदिल्ला सबको आती है बेटा, मगर हर तरीके से नहीं आती है। तुमने बोले अच्छा लगा, मगर चाय सबको आती है, एक जैसी नहीं बनती चाय। और मैं चाय बोल के बना के डाली नहीं, आने के हिसाब से मैं जो बनाती हूँ आप लोग को शेयर करती। तो मुझे लगा कि मैं चाय भी बनाऊँ आप लोग को शेयर करूँ, तो उसके लिए शेयर करी। के लिए देखो हमने तेल थोड़ा सा ले लिए हैं, तो तेल में हम पहले जीरा डाल देंगे, सूखी मिर्ची डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है, अभी हम तड़का उसमें मारेंगे। तो दही फुल्की हमारी रेडी है, हम इसके ऊपर तड़का मारेंगे। प्याले में जिसमें सर्व करेंगे उसमें हम तड़का दे देंगे। तो आज की रेसिपी हो गई हमारी तैयार, दही फुल्की। कोथमीर थोड़ा ऊपर से और डाल रही हूँ मैं। तो देखो हमारे दही फुल्की बन चुकी है माशाल्लाह। आइए आप लोग भी खाने के लिए, देखिए कितने बेहतरीन बना है। अगर मैं छाछ मिलाऊंगी तो पानी बिल्कुल मिक्स नहीं करती हूँ, छाछ नहीं था बल्कि मुझे पानी डालना पड़ा। आप लोग छाछ डालना, और अभी ये रखेंगे ना आधा एक घंटा रखना पड़ेगा, ये फुल्की पूरी हमारी दही पिएगी, इतनी बड़ी बड़ी फुल्की नरम हो जाए। अभी मैंने आप लोग को बनाई और डायरेक्ट सर्व करी हूँ, उसको भी हम रख देंगे आधा एक घंटे के लिए, उसके बाद ही हम खाएंगे। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो आप लोग मुझे लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी मेरी रेसिपी। और जो भी नए हैं चैनल पे मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि हमारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और कुछ पकौड़े बच गए तो देखो टमाटर सॉस के साथ हम लोग खाएंगे, कुछ ज़्यादा हो गए थे ना। तो दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।